भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे कि बच्चों और डोनर के बीच सीधा संपर्क व संवाद हो सके। मदद चाहने वाला बच्चा जिस क्षेत्र का हो उसी क्षेत्र के समिति सदस्य से उसके पढ़ाई के खर्चे के लिए मदद लेने का प्रयास किया जाएगा। इसमें समिति की मध्यस्थ की भूमिका रहेगी और डोनर व बच्चे में सीधे संवाद की व्यवस्था बनेगी। इससे दान देने वाले लोगों को इस बात का भी पता रहेगा कि वे किसकी मदद कर रहे हैं और वह बच्चा पढ़ाई में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। समिति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जिले भर में होने वाले मेलों से अर्जित आय का कुछ प्रतिशत समिति के खाते में डालने की व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके अलावा मेलों त्योहारों में समिति अपने स्टॉल लगाएगी ताकि लोगों को इसकी गतिविधियों की जानकारी मिले और अधिक लोग इससे जुड़े। बैठक में मौजूद सभी गैर सरकारी व सरकारी सदस्यों ने जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा तय बनाने की इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हर संभव मदद का संकल्प दोहराया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने इसकी गतिविधियों को और निखारने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। कई बार आर्थिक तंगी और विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कुछ बच्चे पढ़ने की इच्छा रखने के बावजूद उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से सितंबर 2015 में उत्थान समिति का गठन किया गया था। ये आम जनता की पहल थी जिसमें फिर जिला प्रशासन जुड़ा और उसे व्यापक अभियान की सूरत दी। जिला सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ओपी भाटिया ने बैठक की कार्रवाई का संचालन करते हुए समिति की अब तक की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि समिति ने बुक बैंक भी तैयार किया है। इसमें बच्चों को सिलेबस की किताबें मुहैया करवाई जा रही है। बैठक में एसडीएम जोगिंदर नगर मेहरा, एसडीएम बल आशीष शर्मा, सहायक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी रजनीश कुमार, समिति के संस्थापक सदस्य राजा सिंह मल्होत्रा, मातुल मल्होत्रा, सुधांशु कपूर, रोटरी क्लब जोगिंदर नगर व खत्री सभा मंडी के अध्यक्ष सहित गैर सरकारी सरकारी सदस्य और विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। चिट्टे के वायरल वीडियो को शूट करने वाले युवकों पर पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। इस मामले में गागल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जिसमें अजय कुमार गांव गागल, मान सिंह गांव कुम्मी व विवेक चत्रोर और सभी बल क्षेत्र से संबंधित हैं। वीडियो वायरल होने के बाद सरकाघाट क्षेत्र के गाँव हवानी पिंगला के रोहित शर्मा द्वारा बल थाना में दर्ज शिकायत में कहा था कि 25 जुलाई रात उसको बग्गी व गागल सड़क पर पूरी रात पैसे की मांग को लेकर कुछ युवकों ने बंधक बनाकर टॉर्चर किया था तथा दूसरे दिन उसके सामने कहीं से कथित चिट्टे की पुड़िया उसको बताते हुए वीडियो बनाया था और वीडियो बनाने से पहले क्षेत्र के 2 लोगों के नाम लेने पर मजबूर किया था। पुलिस को दी शिकायत में उसने 2 लड़कों जिन्हें वे पहचानता था उनके भी नाम बताए थे। पुलिस ने मामले की गहनता को देखते हुए जिहादी स्टाइल में बने इस वीडियो की गहनता से छानबीन करने के बाद शूट करने वाले युवकों पर शिकंजा कसते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पुलिस इस मामले की सच्चाई जानने में लगी हुई है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि वीडियो शूट करने वाले लड़के युवक से बल के किसी चौधरी का नाम सामने लाने की बात कह रहे थे तो उसके पीछे उनके क्या मंशा रही होगी। क्या चिट्टे की सप्लाई को करने के पीछे इन लड़कों की संलिप्तता तो नहीं है। बाद में बग्गी पेट्रोल पंप के पास से उसे पूरी रात बंधक बनाने के पीछे की सच्चाई क्या है। क्या इसके पीछे और भी लोग हैं। पुलिस इन सब पहलुओं पर बारीकी से जांच कर रही है। मामले की पुष्टि डीएसपी हेडक्वार्टर करण गुलेरिया ने करते हुए बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए बारीकी से हर पहलू की जांच कर रही है। प्रमाणित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में आरएसआई सॉफ्टटेक
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैंपस इंटरव्यू के लिए आ रही है, जिसमें करीब 200 अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इस कैंपस इंटरव्यू में किसी भी ट्रेड से पास अभ्यर्थी भाग ले सकेंगे और बेरोजगार युवा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। आईटीआई के प्रधानाचार्य शिवेंद्र टोगरा ने जानकारी देते हुए बताया कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में RSI सॉफ्टटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा शनिवार को डोर टू डोर सर्वे हेतु इंडस्ट्रियल सर्वे प्रोजेक्ट और प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे हेतु सर्वेयर रखने के लिए कैंपस साक्षात्कार का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जिसमें 12वीं पास पर सभी व्यवसायों से आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थी व जिन्हें मोबाइल गैजेट तथा कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो भाग ले सकते हैं। इस कैंपस साक्षात्कार के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को जिन्हें इंडस्ट्रियल सर्वे प्रोजेक्ट के लिए चुना जाएगा 10,000 वेतन प्रतिमा व TADA 5,000 अतिरिक्त रहेगा और जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे हेतु किया जाएगा उन्हें प्रतिमा 15,000 तथा TADA 5,000 रुपए अतिरिक्त रहेगा व चयनित अभ्यर्थियों को अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट तथा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आए वे अपने व्यवसाय से संबंधित दस्तावेजों सहित पहुंचे, जिसमें आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लाना सुनिश्चित करें। आए दिन भगवान के साथ नशों को जोड़कर युवाओं को जिस प्रकार से भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मंडी निवासी ने काला जादू के नाम से एक गाना बनाया है। मंडी में इस गाने को सोच संस्था के MD राजा सिंह मल्होत्रा ने विधिवत रूप से रिलीज किया। रिलीज के बाद YouTube पर गाने को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और अभी तक हजारों लोग इस गाने को देख और सुन चुके हैं। गाने का निर्माण फीट ऑफ फायर द्वारा किया गया है। गाने को मंडी निवासी विशाल भारद्वाज ने लिखा, कंपोज किया और गाया है। गाने के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि नशा हर तरह से सेहत के लिए हानिकारक है। सोच संस्था के MD राजा सिंह मल्होत्रा ने फीट ऑफ फायर और गायक विशाल भारद्वाज को इसके लिए बधाई दी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे अपनी ऊर्जा और सोच का सकारात्मक तरीके से इस्तेमाल करें और भगवान के नाम पर भ्रमित न होकर नशे से दूर रहें। वहीं गायक विशाल भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने अलग सोच के साथ ये गाना बनाया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि लोग इस गाने को जरूर पसंद करेंगे। आपको बता दें कि ये एक रैप सॉन्ग है जो कि युवाओं की सोच बदलने में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है।